मन से कोई काम तुम 21 दिन करा दो उसकी आदत पड़ जाती है। जीवन सूत्रों पे चलता है। इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। उसने कहा हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। सर गरीब बच्चे कैसे पढ़े? आज धन से ज्यादा मन की गरीबी है। जलने को कोई तैयार नहीं, मरने को कोई तैयार नहीं। तो कमजोर मन से बड़े सपने कभी पूरे ही नहीं हो सकते। योग और ध्यान क्यों जरूरी है, इसको थोड़ा सा योगा एंड मेडिटेशन योग तो जरूरी इसलिए है क्योंकि बड़े सारे संत महात्मा लोग कहते हैं योग रखे निरोग। योग का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी शरीर में पहुंचाना। ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचेगी उतनी ब्लड में फ्लो करेगी और जितना मस्तिष्क में पहुंचेगी उतने स्ट्रेस को खत्म करेगी। तुम देखो ज्यादा खा लो अगर तो मन नहीं कहता लेट जाए, ऐसा ज्यादा पढ़ लो तो भी मन कहता लेट जाए, क्योंकि दोनों पेट ही है। तो जब ज्यादा तुम पढ़ते हो तो यहां पे तनाव के बिंदु पैदा हो जाते हैं। अब जिंदगी वैसे ही प्रेशर है, हर दिन कोई ना कोई प्रेशर है और उस प्रेशर में स्ट्रेस। ये जो प्रेशर और स्ट्रेस का गेम है, प्रेशर तो बना रहना चाहिए, इसको खत्म नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस खत्म होना चाहिए। बहुत सारे लड़कों के पराजय की वजह है स्ट्रेस। इसके बाद मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, योग क्यों करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाए, लंग्स में जाए, दिमाग में जाए, तो वो स्ट्रेस को खत्म करती है, शुद्धिकरण करती है, नेगेटिव चीजों को जलाती है। ध्यान इसलिए करना चाहिए क्योंकि मन जो है उसके चार लक्षण है, 4 characteristics। पहला लक्षण आदत, हैबिट। ये मन का पहला लक्षण है आदत, हैबिट। मन से कोई काम तुम 21 दिन करा दो उसकी आदत पड़ जाती है। तो अगर नेगेटिव चीजों की आदत पड़ जाती है तो पॉजिटिव चीजों की क्यों नहीं पड़ सकती। जैसे हम सुबह उठ गए 6 महीने तो फिर जीवन भर उठोगे 5 बजे, कितनी प्यारी आदत डेवलप हो जाएगी। मन का ये पहला लक्षण है आदत, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको बदलना है। दूसरा मन का कैरेक्टरिस्टिक है द्वंद, मतलब डुअलिज्म, ये करें कि ना करें, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, द्वंद। ये मन का दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है। 98% लोग इसके शिकार है। क्यों? इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। नथिंग इज क्लियर इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि हर चीज स्पष्ट हो जाए। ये है, इस दुनिया में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कलाम साहब पायलट होना चाहते थे, साइंटिस्ट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
अगला सेकंड स्पष्ट नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ 2% लोग रिस्क लेते हैं, इसलिए जिसने भी रिस्क लेना सीख लिया उसका जीवन बन गया, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा वो। मोदी जी उसका एग्जाम्पल है, मुलायम सिंह यादव जी इस एग्जाम्पल है, लालू यादव जी एग्जाम्पल, ये लोग उसके एग्जाम्पल है, मायावती जी उसका एग्जाम्पल है। अब एक तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ऊपर से समाज कह रहे भैया उतने सोचो जितना औकात हुए, ऊपर से समाज, कभी कभी मां बाप, यहां कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए 98% मन द्वंद का शिकार है, और ये 98% को समाज तोड़ देता है। रिस्क लेना ही है, अगर कुछ भयंकर करना है जीवन में तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अनिवार्य है वो। तीसरा लक्षण जो इस मन का है वो है बेवकूफ बनाना, चीट करना, ये लक्षण है, इसको मजा आता है। तुमने बहुत बार कोशिश की होगी सुबह उठने की, रात में तो एकदम तैयार रहता है, 8 बजे रात में तैयार, कल से सुबह उठ के 4 बजे फाड़ डालना, एकदम पढ़ना है बैठकर और ये करना, रात में जो माहौल बनाएगा ये। लेकिन देखो अब मैं अभी भी तुम में से बहुत सारे लोग पड़े होंगे बिस्तर में, तुम ऐसे बड़े सारे काम करते होगे जो तुम नहीं करना चाहते होगे पर कर रहे हो, डेली कसम उठाते होगे कि अब नहीं करेंगे। इस दुनिया में हर आदमी को उसका मन बेवकूफ बना रहा है, गुलामी करवा रहा है। और चौथी फीचर इस मन का है, ये हमेशा दूसरों की कमियां देखता है, अपनी तो देखता ही नहीं, अपनी देख ले तो समझ लो तुम्हारा मन जाग गया। और ये सब के सब कमजोर मन के लक्षण है, ये सब मन के लक्षण है, आदत मन का लक्षण है। तुमको कई सारी आदत होगी, बहुत सारे लोग खैनी के नहीं खाते तो वॉशरूम भी नहीं जा पाते, सोचो खैनी के गुलाम है। तो मन की आदतों को बदलना है, द्वंद से बचना है, इस ड्यूलिज्म से बचना है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी क्लियर नहीं है। मन पे नजर रखना है, नजर सिर्फ देखना है, जाग जाना है, तुम्ही से शक्ति लेके तुम्ही से काम करा देता है क्योंकि तुम बेहोश हो। और अपनी कमियों को देखना है, दूसरों की कमियों को नहीं देखना है। कमजोर मन की बड़ी महत्वाकांक्षा कभी नहीं पूरी होगी, तुम किसी और चीज से परेशान थोड़ी हो। आज का ये जो युवा है बहुसंख्यक, वो किसी और चीज से परेशान थोड़ी है, उसका मन कमजोर है और सपना बड़ा है। तो कमजोर मन से बड़े सपने कभी पूरे ही नहीं हो सकते, संभावना ही नहीं। उस कमजोर मन को ताकतवर बनाने का नाम है ध्यान। उस कमजोर मन को ताकतवर बनाने का नाम है ध्यान, उसको तुम कर ही नहीं रहे हो। क्या पढ़ने, ये पढ़ने, वो पढ़ने, फलानी किताब पढ़ने, इनसे पढ़ने, उनसे पढ़ने। सर गरीब बच्चे कैसे पढ़े? जो बच्चे धन से गरीब हैं उनको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो मन से गरीब है, आज धन से ज्यादा मन की गरीबी है। गरीब बच्चों का क्या होगा सर? कोई गरीब नहीं है, जिसका मन ताकतवर है वो कोई गरीब नहीं है। मेरी नजर में दो ही लोग गरीब हैं, एक जिनको डायबिटीज है और एक जो मन से कमजोर है, बाकी कोई गरीब नहीं है। क्योंकि मैं खुद वेटर की नौकरी किया, मैं दूसरों को क्यों बोलूं। मैं विवेक बिंद्रा जी से मिला, उन्होंने कहा सर मैंने भीख मांगे खाया, मैं मंदिर में रहा सर। कभी आपकी मुलाकात विवेक बिंद्रा जी से हो
तो उनसे पूछिएगा उनका जीवन के बारे में, आरंभिक जीवन, अनाथ का जीवन, अनाथ का जीवन, अनाथ का। कहा सर मैं भीख मांग के खाया। इस दुनिया में दो ही लोग गरीब हैं, एक जिनको डायबिटीज है और दूसरा जिनका मन कमजोर है, बाकी कोई गरीब नहीं है। बड़े सारे मित्र तैयारी करते हैं और पैसे के अभाव में बड़ा परेशान है। इस देश में एक बड़ी प्रॉब्लम है सर, गरीब बच्चे तैयारी कैसे करें। अरे भैया गरीब पहले गरीबी दूर करें, कोई ना कोई स्किल सीख लो, कोई ना कोई। तुमको एक बार कोई भी उधार दे सकता है, तुमको आईएएस बनना है ना, और काम करने में क्या दिक्कत है। बागपत का मुझे एक लड़का मिला कनॉट प्लेस में, वेटर का आपका वीडियो सुना, दिल्ली आया, वेटर का काम कर रहा हूं और तैयारी कर रहा हूं। काम करने में क्या सर, गरीब लड़के ये कैसे, सर गरीब लड़के वो कैसे करे। परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, कुछ भी स्किल सीख लो, एसी बनाना सीख लो, गर्मी आ रही है, दिन में 4 घंटे भी काम कर लिए, 4 आवर्स, 2,000 रुपया मिला, 60,000 रुपया महीना। कंप्यूटर बनाना सीख लिए, मोबाइल बनाना सीख लिए, किसी भी परिवार को या राज्य को अगर मजबूत बनाना है, आज चाइना को देखो, आज तुम चाइना को देखो, छोड़ो ब्रिटेन, राजनीतिक शक्ति बना आर्थिक शक्ति बनने के बाद, यूएस राजनीतिक शक्ति बना आर्थिक शक्ति बनने के बाद, आज चाइना आर्थिक शक्ति बना, राजनीतिक शक्ति है आर्थिक शक्ति बनने के बाद। यह फॉर्मूला है परिवार और राज्य दोनों के लिए। अगर तुम परिवार और राज्य को मजबूत करना चाहते हो तो तुम्हें अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। अगर तुम परिवार और राज्य को मजबूत करना चाहते हो तो पहले अर्थव्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ब्रिटेन, आर्थिक शक्ति बना फिर राजनीतिक शक्ति बना, 18th century। यूएस 20th century, पहले आर्थिक शक्ति फिर राजनीतिक शक्ति। आज चाइना इसी फिराक में है, 21st century। अब तो शक्ति वो है ही है, सुपर पावर बनना चाहता है, और यही काम 18th century में मैसूर ने किया। यह बात किसको समझ में नहीं आई, यह बात इंडिया को समझ में आई। नेहरू 5-year plans, यह बात नेहरू जी को समझ में आई, 5-year plans कि पहले भारत को आर्थिक शक्ति बनाएंगे, लेकिन यह बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आई, यह बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आई। 1947 में आजाद हुए, 48 में भारत पर हमला कर दिया, 65 में हमला कर दिया, 71 में हमला कर दिया, ये जो आज भोग रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि सूत्र नहीं पता था, सूत्र को नहीं फॉलो किया। 1948, 1965, 1971, उनका एक प्रधानमंत्री था जिसको उन्होंने फांसी दे दी, जुल्फिकार अली भुट्टो, सही दी होगी पता नहीं, उसने कहा हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। बताओ यार, यह है इतिहास का महत्व, यह है इतिहास का इंपॉर्टेंस, वो तुम्हें सूत्रों से अवगत कराता है। ये देखो मैसूर 18वीं शताब्दी में, E is equal to E, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर, इकॉनमी इज इक्वल टू एम्पायर, अर्थव्यवस्था साम्राज्य की मां है। तो साम्राज्य को अगर खत्म करना है तो अर्थव्यवस्था पे प्रहार करो, स्वदेशी मूवमेंट 1905, ये सब सूत्र हैं, जीवन सूत्रों पे चलता है,
ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के कोई फायदा नहीं। तुम पेड़ को एक लोटा पानी चढ़ाते हो, वो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। ये धरती खत्म होगी सिर्फ पेड़ों के खत्म होने से। एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं चारों तरफ, एयर प्यूरिफायर से काम चलेगा। इस धरती का जो लंग्स है वो पेड़ है, इसलिए हिंदुओं ने पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर की स्थापना की, क्योंकि जहर वही पी सकते हैं और अमृत दे सकते हैं। तो पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और CO2 पीता रहता है, इसीलिए हिंदू समाज में पीपल के काटने को पाप माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान के लक्षण है। जहर को पीना, अमृत देना,